नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अविनाश। लोकसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर चुके हैं। चुनाव आयोग कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में बिहार में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दरअसल एलजेपी के मौजूदा समय में एनडीए के गठबंधन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। वित्तीय अपडेट्स में भी हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान कभी भी पाला बदल सकते हैं। अब खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए यहाँ पर चिराग पासवान फिलहाल नाराज चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो एनडीए गठबंधन की बात हुई थी, वहां पर 6 सीटों को लेकर सहमति बनाने की बात हुई थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस पूरे मामले को टाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ जाने से खबरें हैं कि चिराग पासवान बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों एक रैली में चिराग पासवान ने साफ कहा था कि मैं पहले बिहार और बिहारियों के पूरे सपोर्ट में रहता हूं और उसके बाद बाकी राजनीतिक दलों के सपोर्ट। चिराग पासवान ने बातों ही बातों में ये इशारा दे दिया कि वो वैशाली सीट से भी लड़ेंगे, जो पिछले 10 साल से उनकी सीट है, और अगले 5 साल से ये सीट भी अगले 5 साल तक उनके पक्ष में रहेगी। साथ ही दूसरी जो दिक्कत पैदा हो रही है एनडीए गठबंधन के लिए, वो है चाचा भतीजे की लड़ाई, यानी कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे की खींचतान जारी है, जिसका समाधान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं उठा पाई। दरअसल बीते दिनों बिहार में पीएम मोदी की रैली और भाजपा की रैलियों में चिराग पासवान साफ तौर पर अलग नजर आए। आरजेडी पहले ही यहां पर चिराग पासवान को अपने साथ मिलाने का ऑफर दे चुकी है। फिलहाल चिराग पासवान ने महागठबंधन में जाने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर एनडीए गठबंधन में उनकी सहमति नहीं बनती है तो वो कभी भी यहाँ पर पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अब चिराग पासवान को बनाना एक चुनौती हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, साथ ही एनडीए गठबंधन के लिए। अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।